दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों में रहते हो सपनों में खो जाओ बाहों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो तुम दिल की धड़कन में रहते हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके एक्सपर्ट क्लासेस में। सो, आज हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट इसके जो हम कल पढ़ाया गया था, फर्स्ट जो है एनवायरनमेंट का फर्स्ट चैप्टर, जो कि इसमें बेसिक चीज़ें बताई गई थी पर्यावरण क्या चीज़ है। जैसा कि पर्यावरण में जैविक के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसी को पर्यावरण कहते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें जो उसमें हमने सीखा था कि अजैविक में क्या आते हैं, जैविक में क्या आते हैं, और आज हम जो है सेकंड क्लासेस हैं जो कि उसको सीखना चाहेंगे, और हमें उम्मीद है कि बेहतरीन पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं इसको। हम देखते हैं कि जो है अब पर्यावरण इस समय जो है उसमें पहले ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता था। क्यों ऐसा? इसका कारण था कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं थी और सारी समस्याएं नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ हुआ लोगों को कि जब पर्यावरण प्रदूषण होने लगा, बहुत सारी समस्याएं आने लगी, तो फिर लोगों ने यानी देश दुनिया के जो महान राजनीतिज्ञ हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि इस बारे में कुछ कदम उठाया जाना चाहिए। इसीलिए जो है एक कदम उठाया गया था जो कि सबसे पहला कदम उठाया गया था 1972 में उठाया गया था, स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि स्वीडन में है स्टॉकहोम सम्मेलन। इसलिए इसको जो है स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन का एक शहर है, ठीक है, इसमें एक सम्मेलन हुआ था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं, जो कि दुनिया का पहला सम्मेलन हुआ था, यानी सबसे पहला एनवायरनमेंट के संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। कितने में हुआ था? 1972 में हुआ था, 5 जून 1972 से 16 जून 1972 में हुआ था, 1972 तक हुआ था। सो इसीलिए जो है पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। इसी के दिन को यादगार बनाने के लिए जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सो उसके बाद जो है यहाँ देखते हैं कि 1982 में, यानी 10 साल बाद, 1972 से 1982 में फिर पर्यावरण सम्मेलन हुआ उसी स्टॉकहोम सम्मेलन में, जिसको जो है कहते हैं 10वीं वर्षगांठ स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। क्यों 10वीं वर्षगांठ? क्योंकि 10 साल के बाद मनाया जाने वाला सम्मेलन था और स्टॉकहोम सम्मेलन में ही आयोजित किया गया था, जो कि स्वीडन का एक शहर है, इसीलिए इसको जो है 10वीं वर्षगांठ स्टॉकहोम सम्मेलन कहा जाता है। सो उसके बाद जो है धीरे धीरे 10 साल बाद जो है फिर 1992 में जो है एक सम्मेलन हुआ जिसको पृथ्वी सम्मेलन का नाम दिया गया। पृथ्वी सम्मेलन का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है देश के लोग जो है शामिल हुए थे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है कदम उठाया जाए, और सारे लोगों का पार्टिसिपेशन हो इसमें, जो कि इसीलिए जो है इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और हाँ, और उसके बाद जो वहाँ पे जो बातें हुई, राजनीतिक बड़े बड़े राजनेता थे वहाँ पे बातें हुई, तो उन्होंने सभी ने निष्कर्ष निकाला कि जो एज ए जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है उसमें शामिल किया जाना चाहिए पर्यावरण को, ताकि जो है बच्चे सीखें उसके बारे में, जागरूक हों और लोगों को जागरूक करें, ताकि जो है हमारे पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके और आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सके आने वाले जो भी हैं, ठीक है। सो इसके लिए तो हालांकि SDG बना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 लक्ष्य हैं, लेकिन उसको अभी नहीं और नेक्स्ट क्लासेस में उसको बताया जाएगा। और हम देखते हैं कि इकोलॉजी, कुछ वर्ड हैं इसमें जो है समझना है, कुछ वर्ड हैं मीनिंग है, आज क्लासेज होगी, कल से जो आएगा आपका जो भी पढ़ाया जाएगा टॉपिक होगा कि बायोडाइवर्सिटी पढ़ाया जाए या भी पारिस्थितिकी पढ़ाया जाए या प्रदूषण, जो भी है सारा चीज़ जो है कल से पढ़ाया जाएगा टॉपिक, लेकिन आज जो है सिर्फ और सिर्फ मीनिंग है इसमें, कुछ मीनिंग है, ठीक है। और देखते हैं इकोलॉजी किसे कहते हैं। इकोलॉजी हिंदी क्या होती है? पारिस्थितिकी होती है, ठीक है, जिसे कहते हैं इकोलॉजी, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसे इकोलॉजी, इको प्लस लॉजी,
अर्थात इको अर्थात सराउंडिंग, लॉजिक लोगस शब्द से बना है जिसे कहते हैं स्टडी करना, अर्थात जो है किसी जीव के चारों तरफ का आवरण, किसी जीव के चारों तरफ का क्षेत्र जो है उसका अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है। सो जैसे कि जो मान लिया जाए दिल्ली है, दिल्ली में वहाँ होती है क्या वर्षा है, कितनी वर्षा होती है, ठीक है टेम्परेचर कब ज़्यादा रहता है कब डाउन रहता है, ठंडी कब होती है गर्मी कब होती है, ठीक है। सो और ऊंचाई, ऊंचाई जो है हाइट, समुद्र से ऊंचाई कितनी है इसका हम अध्ययन करते हैं, आर्द्रता कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है इसका अध्ययन करते हैं, और इसमें जो है देशांतर, किस देशांतर के बीच में है और कितने अक्षांश के बीच में दिल्ली है, ठीक है। सो यहाँ के पेड़ पौधे किस तरह के हैं, किस टाइप के हैं, और आपके जीव जंतु यहाँ किस तरह के पाए जाते हैं, सारा चीज़ का हम स्टडी करते हैं, इसको इकोलॉजी कहते हैं। और हाँ, और सारे चीज़ का जो अध्ययन करते हैं उसका इम्पैक्ट मानव पे क्या पड़ा है, यानी दिल्ली की जनसंख्या पर क्या पड़ रहा है, या जहाँ भी अगर इकोसिस्टम यानी सॉरी इकोलॉजी जहाँ भी कर रहे हैं, चाहे वो समुद्र का हो या फिर चाहे दिल्ली का हो या फिर एक ग्लास का हो, कहीं भी हम इकोलॉजी कर सकते हैं, उसको भी जो इकोलॉजी करेंगे उसका स्टडी करेंगे तो वही इकोलॉजी कहलाएगा। सो जो है दिल्ली का जो टेम्परेचर है और सारी चीज़ें जो हमने बताया कि वर्षा और आपका अक्षांश देशांतर कितने बीच में है, जीव जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं, इसका इम्पैक्ट मानव पे क्या पड़ रहा है, इसी को जो है अध्ययन करते हैं हम, यही इसी जो है इसे इकोलॉजी कहते हैं अर्थात पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। सो इसमें एक वर्ड है, ये तो ये वर्ड क्लियर हो गया होगा, मुझे आशा है ये वर्ड क्लियर हो गया। सेकंड जो है कुंजी प्रजातियाँ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं की स्टोन स्पीसीज, क्या कहते हैं की स्टोन स्पीसीज, ठीक है। जैसा कि की स्टोन स्पीसीज डेफिनेशन इसकी है, इसको कहते हैं ऐसी प्रजातियाँ जो संख्या में तो कम है लेकिन पारिस्थितिकी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं, ठीक है। जैसे कीस्टोन स्पीसीज तो हो गया डिफिनेशन, अब इसका हम देखते हैं कीस्टोन स्पीसीज क्यों नाम देते हैं, ठीक है, और कौन कौन है कीस्टोन स्पीसीज, ठीक। जैसा कि आपने देखा कि संपूर्ण संकीर्ण पत्ती वाले वन, आपने देखा संकीर्ण पत्ती वाले वन में होता है चौड़ी पत्ती वाले वन, जैसे बहुत सारा देखते होंगे कि आप अमेजन या अमेजन वन में आग लग गई, बहुत सारा जो है पर्यावरण कहीं बहुत ही ज़्यादा जो जल गया पेड़ पौधे, तो कहीं ना कहीं इसका योगदान है इसमें संकीर्ण पत्ती वाले वन का, क्यों, क्योंकि इसमें जो है एक रेजिन नाम का, इसमें जो है एक संकीर्ण पत्ती वाले वन में रेजिन, रेजिन नामक पदार्थ पाया जाता है संकीर्ण पत्ती वाले वनों में, जो पत्तियों में होता है संकीर्ण संकीर्ण पदार्थ का सॉरी रेजिन, रेजिन नामक पदार्थ पाया जाता है इनकी पत्तियों में। सो जब और ये दहनशील होता है, जब ये दोनों घर्षण करते हैं, जब ये दोनों घर्षण करते हैं तो कहीं कहीं आग की या चिंगारी की कुछ मात्रा निकली होंगी, परिणामतः जो है आग लग जाती है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये एज ए एग्जाम्पल मैंने दिया, ये कीस्टोन स्पीसीज नहीं है। अब इसमें जो है एक होता है चौड़ी पत्ती वाले वन, ठीक है, संकीर्ण पत्ती वाले वनों में चौड़ी पत्ती वाले वन, जो कि काम करता क्या, इसमें रेजिन नामक पदार्थ नहीं पाया जाता है और ये दहनशील नहीं होता है। ये क्या करता है, अगर बाई चांस आग लग गई, चाहे किसी वन में आग लग गई और वो भी जो है संकीर्ण पत्ती वाले वनों के कारण, तो कहीं ना कहीं इसको रोकने में भूमिका निभाता है। रोकने में भूमिका कैसे निभाता है, और जब ये चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं इसमें रेजिन नामक पदार्थ नहीं पाया जाता है और ये दहनशील नहीं होता है, तो और उसमें जो संकीर्ण पत्ती वाले वन में जो चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं, सो इसको जो है इतनी जल्दी जलते नहीं, इतनी जल्दी ये जलते नहीं है। सो कहीं कहीं जलने में संकीर्ण पत्ती वाले वन जलते हैं उसमें इसको रोकते हैं, चौड़ी पत्ती वाले वन जो है रोकते हैं, ताकि जो है वन ज़्यादा ना सफाया हो। इसीलिए गवर्नमेंट देखते होंगे कि आपकी जो है चौड़ी पत्ती वाला वन लगवाती है जंगल में, ताकि बाई चांस कभी आग लग जाए जितना प्रभावित ना हो सके, उसका कनेक्टिविटी ना बन सके, ठीक है, इसीलिए ताकि जो है जंगल का सफाया ना हो जाए। यदि आप जंगल का सफाया हो गया तो वहाँ से रहने वाले जीव जंतु वो तो मर ही जाएंगे, साथ ही साथ में वहाँ का जो हैबिटेट है उनका ख़त्म हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो वहाँ जैविकता प्रभावित होगी। इसीलिए जो है गवर्नमेंट एक्शन लेती है वहाँ और छोटी पत्ती वाले वन
लगाती है, ठीक है। आपने देखा कि बाघ, ठीक है, बाघ को संरक्षण प्रदान करती है गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे टाइगर रिजर्व हो गया, या फिर अगर इसमें और बहुत सारा जो है जागरूकता फैलाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि जो है बाघ एक कीस्टोन स्पीसीज है, ठीक है, कीस्टोन स्पीसीज है। अगर बाघ को आप मार देते हैं किसी जंगल में, या ठीक है किसी जंगल में है बाघ या शेर को आप मार देते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पे वो जो यूज करता था यानी भोजन के रूप में हिरण है, खरगोश है और अन्य सारे जीव, तो अब अगर बाघ मर जाता है तो उनकी जो संख्या है कहीं कहीं बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको खाने वाला कोई नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी संख्या बढ़ना स्वाभाविक है। अब अगर उनकी संख्या बढ़ जाती है तो वहाँ पे जो जितने घास उस होंगे, जितने भी पेड़ पौधे होंगे, पत्तियाँ होंगी, सारे जो खा जाएंगे। क्यों खा जाएंगे? क्योंकि उनकी उतना संख्या हो जाएगी ना कि मुश्किल हो जाएगा, कि जो प्रजनन करेंगे, खाएंगे, मस्त रहेंगे, कोई खाने वाला उनको है नहीं। क्या धीरे 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 वहाँ जो जब घास खा जाएंगे, सारी चीज़ें खा जाएंगे, तो कुछ जंतु जो वहाँ से पलायन कर जाएंगे, या फिर हो सकता है कि आप जब सारी घास खत्म हो जाए तो वहाँ पे कुछ जीव जंतु मर भी जाए, और जब जीव जंतु मर जाएंगे किसी वन में किसी भी चीज़ में, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो वन में जीव से प्राप्त करते हैं, जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं वन पोषण, या फिर उसमें CO2, हालांकि CO2 नाम मात्र है, वो तो प्रकृति ने ऐसा योजना प्लानिंग बनाया है कि जिस तरह से अब जैसे कि प्लान बना दिया, ठीक है, प्लान बना दिया प्रकृति ने, बहुत ही बेहतरीन जो है यहाँ पे उन्होंने सिस्टम बनाया है। जैसे कि प्रकृति ने बना दिया प्लांट और वायुमंडल में दे दिया CO2। अब CO2 उस तो अवशोषित कर रहे हैं प्लांट, लेकिन हमको तो क्या दे रहे हैं, जीव जंतुओं क्या दे रहे हैं, वो दे रहे हैं ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और उनके लिए ये है सारे चीज़ का जो है भोजन का पूरा पूरा प्रबंध कहीं कहीं प्रकृति ने किया है, तो इसको समझने की ज़रूरत है। और अगर बाघ जो है आप जब डेड हो गया तो सारे जीव जंतु जो है जो भी है खरगोश है, हिरण है और सारी चीज़ बहुत ज़्यादा जीव बढ़ जाएंगी, संख्या उनकी बढ़ जाएगी। परिणाम का क्या होगा कि जंगल जीव घास खत्म हो जाएगी सारी चीज़ें, तो अब जो वहाँ से हो सकता है कुछ जीव पलायन हो जाए जहाँ उनको सुविधा हो सकता है, कुछ जीव जंतु मर भी जाए। परिणाम का क्या होगा, वहाँ से जब जीव जंतु पलायन हो जाएंगे, जो पोषण मिलता है और सारी चीज़ें कुछ गतिविधियाँ होती है जो कि जंगल को जंतुओं से मिलती है, तो मिल नहीं पाएंगी। परिणाम का ऐसा समय आएगा कि लोग विद्वान यानी कहते हैं कि हजारों साल बाद जो है लाखों हजारों साल बाद ऐसा होगा कि जंगल स्वयं नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब जंगल नष्ट हो जाएंगे ना तो अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो लोग जो है यहाँ पे जीवन जीना संभव नहीं हो पाएगा, बट अब तक दुनिया समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप जो पेड़ जरूर लगाएं। क्या? पेड़ जरूर लगाएं। हालांकि मैं भी जब जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ फिलहाल, लेकिन उसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन नहीं थी इसलिए उतना एक्शन नहीं लेते थे, बट जो ना इस समय इसका परिणाम क्या होगा लोगों से ही बताना जरूरी है, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट देखते हैं आपका हो गया कीस्टोन स्पीसीज में क्या क्या हो गया। आपने संकीर्ण पत्ती वाले वन पढ़ा, इसमें एक कीस्टोन स्पीसीज नहीं है, ठीक। इसमें जो चौड़ी पत्ती वाले वन में जो चौड़ी सॉरी संकीर्ण पत्ती वाले वाले इसमें जो पाया जाता है चौड़ी पत्ती वाले वन, इसलिए कीस्टोन स्पीसीज है। और बाघ है कीस्टोन स्पीसीज, आपने देखा क्या महत्वपूर्ण है इसको बचाना, क्या इसका परिणाम होगा आने वाले समय में, ठीक। पर्णपाती वन, पर्णपाती वन में सदाबहार वन होते हैं, पर्णपाती वन, पर्णपाती अर्थात एक समय समय में वो जो है एक विशेष समय में अपनी पत्तियां एक एक झाड़ देते हैं, ठीक है, तो झाड़ देते हैं, इसी को पर्णपाती वन कहा जाता है। सदाबहार वन, सदाबहार जो हरे भरे हर समय रहते हैं, हाँ पत्तियां ये भी झाड़ते हैं बट एक लग जो है एक एकाएक नहीं झाड़ते हैं, बल्कि ये धीरे 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 थोड़ा थोड़ा निकलता है, लेकिन उससे वो पता नहीं चलता है कि ये जो है पत्तियां झाड़ते हैं। अब इसमें जो पर्णपाती वन में पाए जाते हैं सदाबहार वन, तो सदाबहार वन क्या करते हैं, यदि जो है पर्णपाती इसमें जो है पत्तियां झाड़ दी हैं, सारा चीज जो है झाड़ दी हैं, तो उसमें सदाबहार वन होते हैं जो कि जीव जंतुओं के लिए बहुत ही आश्रय प्रदान करते हैं। अब जैसे कि जंगल है उसमें जो है पर्णपाती वन झाड़ दी है, सब फलों समाप्त और पत्तियां होती है सारी समाप्त, तो अब फिर जो है वहाँ पे जो जीव जंतु पलायन करके सदाबहार वन में चले जाते हैं, वहाँ पक्षियाँ घोंसला बांधती हैं और जीव जंतु जो है अपना भोजन वहाँ से लेते हैं, उनके रहने के लिए हैबिटेट की व्यवस्था हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सदाबहार वन, ठीक है। अर्थात जो है इसमें कीस्टोन स्पीसीज कौन कौन है,
आपकी जो है चौड़ी पत्ती वाले वन, सो बाघ हो गए, शेर हो गए, पर्णपाती वाले वन, ठीक है, पर्णपाती में सदाबहार वन, ठीक है, और हो गया। अब हम आते हैं, एक न्यू वर्ड है जिसको कहते हैं प्रजात। क्या कहते हैं? हमने क्या क्या पढ़ा इस समय? हमने पढ़ा जो है शुरुआत कहाँ से हुई, एनवायरनमेंट के संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, हालांकि ऑर्गेनाइजेशन जो है बाद में पढ़ाया जाएगा और डिटेल से पढ़ाया जाएगा, बट इस समय थोड़ा सा इंट्रो देना था, ठीक है। और इकोलॉजी हमने सीखा, सो कुंजी प्रजाति हमने सीखा कि कीस्टोन स्पीसीज हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको बचाना क्यों महत्वपूर्ण है, या फिर अगर ये नहीं बचते हैं उनको जो है हो सकता है शिकार कर लें, तो परिणामता इसका दुष्परिणाम क्या होगा, इसको जो है हमने सीखा, ठीक है। अब देखते हैं प्रजात। प्रजात को इंग्लिश में कहते हैं स्पीसीज। क्या कहते हैं? स्पीसीज, ठीक है। अब ऐसे दो जीव, ऐसे इसकी डेफिनेशन है, ऐसे दो जीव जो लैंगिक प्रजनन करते हों, परिणामता इनकी संतान भी लैंगिक प्रजनन करने में सक्षम हो, ठीक है। जैसे मानो यानी महिला और पुरुष जब लैंगिक प्रजनन करते हैं तो उसकी उत्पन्न होने वाली संतान जो है लैंगिक प्रजनन में सक्षम होती है, तो जो है कहीं कहीं उसको माना जाएगा कि यह जो है एक प्रजाति है, ठीक है। लेकिन आपको दिखा दें गधा, ठीक, गधा है, नर है, ठीक है, और ये है घोड़ा, घोड़ा है, ये मादा है, ठीक है, गधा नर है और घोड़ा मादा है। अब इसमें दोनों में लैंगिक प्रजनन कराया जाता है, जब लैंगिक प्रजनन कराया जाता है इससे क्या प्राप्त होता है, इससे जो ये बच्चा जो पैदा करते हैं तो इसकी से एक संतान उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं खच्चर, ठीक है, क्या कहते हैं? खच्चर कहते हैं, जो कि इसको जो है, और हाँ ये भी बता दें कि गधा नर है और घोड़ा एक मादा है, जो कि ये रिप्रोडक्शन होता है, मतलब प्रजनन इसमें जो है होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ये दोनों एक प्रजाति नहीं है, अलग अलग प्रजाति है। अब इससे दोनों में जो है रिप्रोडक्शन यानी अर्थात जो है प्रजनन कराया जाता है, तो इससे उत्पन्न होने वाली प्रजाति होती है खच्चर, हालांकि प्रजात नहीं कहेंगे, प्रजात खच्चर होती है, लेकिन ये नपुंसक होती है, अर्थात सेक्स करने में अर्थात प्रजनन करने में सक्षम नहीं होती, ठीक है। सो हम देखते हैं कि ये भी प्रजात नहीं है, लेकिन प्रजाति वही है जो कि दोनों लैंगिक प्रजनन करने में सक्षम हो, साथ ही साथ में उसकी उत्पन्न होने वाली संतान भी लैंगिक प्रजनन करने में सक्षम हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि गधा, गधा मादा ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ नर है, जिसको घोड़ा है नर है, ठीक है। अब इसमें जो लैंगिक प्रजनन कराया जाता है तो इसके द्वारा जो उत्पन्न संतान होती है क्या कहलाती है? हिन्नी कहलाती है। क्या? हिन्नी, ठीक है। सो ये भी नपुंसक होती है, यानी प्रजनन करने में सक्षम नहीं होती है, ठीक है। सो इसलिए हम कहेंगे कि जो एज एग्जाम्पल था कि ये प्रजातियां नहीं है, प्रजातियां वही है जो लैंगिक करने में सक्षम हो, लैंगिक प्रजनन करने में सक्षम हो, तथा उसकी जो उत्पन्न होने वाली संतान है वो भी लैंगिक प्रजनन करने में सक्षम हो, नहीं तो वंशा ही बढ़ेगा। सो ठीक है, हम देखते हैं अस्थानी प्रजाति। अस्थानी प्रजाति एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज, अर्थात इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन अर्थात परिभाषा, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति जहाँ हुई हो, जिसकी उत्पत्ति जहाँ हुई हो उसी को एंडेमिक प्रजाति कहा जाता है, ठीक है। एक दूसरा वर्ड आता है विदेशक प्रजाति। विदेशक प्रजाति उसे कहते हैं जो जैसे कि आज अमेरिका में कोई प्रजाति है, ठीक है, उसमें ले लीजिए जो है आपका मक्का हो गया, ये उसे प्रजाति है, ठीक है। लेकिन विदेशक इंडिया की बात की जाए या फिर अलग अलग देशों की बात की जाए तो वहाँ वो विदेशक प्रजाति कहलाएंगे, ठीक है। जैसे इंडिया की, अगर इंडिया वो जो यूएसए में मक्का है वहाँ की वो स्थानीय प्रजाति होगी, लेकिन अगर इंडिया की प्रजाति बोला जाए तो विदेशक प्रजाति होगी, ठीक है। जैसा कि इस समय देखा जाए चावल स्थानीय प्रजाति है, चावल इंडिया की स्थानीय प्रजाति है, बट ये चावल को जो है यदि बोला जाए किसी दूसरे देश की या अन्य देशों की चावल की प्रजातियाँ तो विदेशक प्रजाति हो जाएगी, ठीक है, विदेशक प्रजाति हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि चावल जो है छत्तीसगढ़ में चावल जो है 50 प्रजातियों में पाया जाता है, ठीक है, 50 इसकी प्रजातियां होती हैं,
जो कि इसमें प्रजातियां होती हैं, जैसे कि आप देखा है कि चावल का कटोरा इसको कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे स्थानिक प्रजाति है चावल, यहाँ की स्थानिक प्रजाति है भारत की, ठीक है। अब इसको जो है 5,000 या 50,000 जो है 50,000 प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और इसमें रंग के आकार पे और कहीं कहीं स्वाद के आधार पे, ठीक है, आप देख रहे हैं कि उगने के आधार पे या फिर साइज के आधार पे, इस सारी चीज़ के आधार पे जो है डिवाइड किया जाता है। आप बताओ 50 प्रजातियाँ जो है पाई जाती हैं छत्तीसगढ़ में, इसीलिए जो इसको इसलिए इसको प्रजातियाँ जो है स्थानीय प्रजाति है, इसमें चावल की छत्तीसगढ़ में 50,000, ठीक है, इसमें हमने बोल दिया था 50, सॉरी इसके लिए, कहीं कहीं थोड़ा सा निकल जाता है, जो है 50,000, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको इसीलिए कहा जाता है चावल का कटोरा, किस आधार पे जो है डिवाइड किया जाता है कि ये प्रजातियाँ इतनी प्रकार की हैं, रंग के आधार पे, साइज के आधार पे, टेस्ट के आधार पे और आकार के आधार पे, ठीक है। हम देखते हैं आलू, आलू भी जो पुर्तगाली की प्रजाति है, आलू पुर्तगाली की प्रजाति, वहाँ की स्थानीय प्रजाति कहलाएगी पुर्तगाली की। बट यदि बोला जाए कि इंडिया की कौन सी प्रजाति है आलू, तो इंडिया की या अन्य देशों की विदेशक प्रजाति कहलाएगी, ठीक है। हम देखते हैं एक अब वैज्ञानिक किस तरह से पता लगाते हैं कि यहाँ पे जो है किस तरह से पता लगाते हैं कि वो वहीं की प्रजाति है, ठीक है। जब देखते हैं कि किसी प्रजाति की उप प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में हो वहीं पे, ठीक, जब किसी प्रजाति की उप प्रजातियाँ ज़्यादा मात्रा में हो और उसी लोकेशन पे हो, तो इसलिए घोषित कर दिया जाता है कि यहाँ की या स्थानीय प्रजाति है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जहाँ की उत्पत्ति जहाँ हुई रहेगी वहाँ सबसे ज़्यादा रहेगा, उम्मीद है कि हाँ धीरे 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 वो जो फैलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा वहीं रहेगा जहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप सबकी समझ आएगा। हाँ, यदि अगर कोई समझाने प्रॉब्लम है, यदि अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप सभी का स्वागत है कमेंट बॉक्स में, जरा लिख के जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको, क्या सुधार करना चाहिए। और हम बता दें कि ये हमारा चैनल है, ठीक है, ZSZK एक्सपर्ट क्लासेस, इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।